रेडी। हाय दोस्तों, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको शो करने वाला हूँ, प्रोजेक्ट का नाम है वासुदेव स्काई हाई। 14 माले का टावर है ये, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर शॉपिंग एरिया है। बैक साइड में इसका फ्लैट दिया हुआ है, नीचे काफ़ी बढ़िया ओपन स्पेस, कवर्ड पार्किंग और ओपन पार्किंग, क्लब हाउस, जिमनासियम, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ये सब कुछ दिया हुआ है। अभी मुझे दुकानों ने, ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है और प्राइजिंग मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, साइज़ भी बताता हूँ। 700 स्क्वायर फुट के आसपास इसका कारपेट एरिया है और 93 लाख इसका नेगोशिएबल प्राइज है। तो आइए पहले फ्लैट देखते हैं। लोकेशन इसका बता दूँ, वासुदेव स्काई हाई प्रोजेक्ट का नाम है और कनकिया में इसका एरिया है, कनकिया बेवरली पार्क मीरा रोड ईस्ट में, सिनेमैक्स के पास। OC आ चुका है, BMC वाटर आ चुका है, इसमें गैस पाइपलाइन आ चुका है, CC कंप्लीटेड है। तो बिल्कुल टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ अभी। अभी आइए देखते हैं इसका 2 BHK का फ्लैट किस टाइप का है। आप देखें तो इधर आपको ये डाइनिंग एरिया है, इस तरफ डाइनिंग है और इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। और ये हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है और बिल्डर ने ही फॉल सीलिंग कुछ बना के दिया है। तो और डाइनिंग के सामने ही इसका किचन दिया हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ कि इसका पैसेज यानी बालकनी कैसा है। बालकनी दिखाऊँ, इनको मत लेना, तो वहाँ से दिखाऊँ। ये इसका मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया पकड़ लें, ये टीवी यूनिट है। और अभी ये प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट के हिसाब से इनको मैनेज किया हुआ है, लेकिन अभी इसमें ऑनर खुद नहीं रहते हैं। किचन का विंडो खोलना, और यहाँ पे डाइनिंग के हिसाब से बेड, डाइनिंग की जगह पर इन्होंने बेड रखा है। यहाँ पर आप डाइनिंग का 6-7-8 टेबल का डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। उधर से आ जाओ, और यहाँ पे वास्तु को बहुत अच्छा ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि जब आप एंट्री है इसका प्रॉपर ईस्ट वेस्ट है और डाइनिंग के जस्ट सामने आपको किचन मिल रहा है। किचन में आगे आ जाओ, ये एल टाइप का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, अपर कैबिनेट्स बिल्डर ने दिया था, तो इन्होंने अपने हिसाब से जो मैनेज किया है। थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करेंगे तो अच्छा इसका लुक आ जाएगा। और बाहर 3-4 फुट का इसका बालकनी है। गने से काम में हूँ, फ़ोन करता हूँ। बालकनी इसका 3-4 फुट का है, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और बाहर का व्यू एक बार देखें तो ओपन व्यू आपको मिल रहा है, जिस तरह आपको हॉल से यानी लिविंग डाइनिंग से जो व्यू था। ऊपर की ओर दिखाओ जो स्काई व्यू, सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है। और प्राइज मेन तो क्या बहुत अच्छा है, भले रेंट पे फ्लैट दिया हुआ है, वो पूरी तरह से मैनेज्ड नहीं है, बट प्राइजिंग काफ़ी अच्छा है। 700 स्क्वायर फुट का फ्लैट और 93 लाख में, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लेने के बाद थोड़ा इसको इंटीरियर तो करने के बाद खूबसूरत बना सकते हैं आप। ये इसका पूरा पैसेज है, मैं आपको पहला कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो इस तरफ एक छोटा बेड रखा हुआ है, इस तरफ भी कपबोर्ड है और सामने साइड भी कपबोर्ड है। ये दो दो तीन तीन कपबोर्ड रखने के वजह से थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये बेडरूम, बट आप देखें तो बेडरूम की साइज़ बहुत ही अच्छा, करीबन 10x10 10x11 का तो बेडरूम है ही। साथ ही साथ इस तरफ भी आपको एक एक्स्ट्रा बालकनी टाइप का, छज्जा टाइप का दिया जा रहा है। हाफ विंडो है ये, और एक बार विंडो के साइड से आप देख लें तो यहाँ पे एक कबर्ड रखा हुआ है। तो अगर ये कबर्ड नहीं रखे, सिर्फ इस तरफ का कबर्ड रहेगा, तो एक अच्छा खासा बेडरूम में आपको स्पेस मिल जाता है। इसके बाद आ जाओ, आगे आ जाओ, इसके सामने ही जस्ट आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। कोई कॉमन वॉशरूम अंदर से दिखाऊं, इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। थोड़ा पीछे से, यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, और मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम दिया हुआ है। अंदर से पूरा कवर करो, और अभी देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम का स्पेस किस तरह से दिया हुआ है।
ये इस तरफ आपको कवर्ड का स्पेस दिया हुआ है जो 2 से 2.5 फुट का डेप्थ है, प्लस 7 फुट के आसपास इसका स्पेस है, तो वार्डरोब के लिए पूरा स्पेस कवर किया है। और उसके बाद देखें तो इन्होंने अपने हिसाब से म्यूज़िक और स्टडी के हिसाब से रखा है, बट यहाँ पे अगर आप 7 बाई 7 का या 6 बाई 6 का बेड भी डालते हैं उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको यूज़ करने को मिले। सीलिंग की हाइट वगैरह तो आप देख ही सकते हैं कि कितना क्या दिया हुआ है, और इसमें भी एक 3 से 4 फुट का बालकनी बनाया हुआ है, और व्यू बिल्कुल वैसा ही है, कंपाउंड का व्यू है इसका, जो सोसाइटी का जो कंपाउंड है जिसमें बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, गार्डन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। आ जाओ, अब मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 2.5 फुट का डेप्थ प्लस 7 फुट का इसका विड्थ लेंथ है, तो इतना बड़ा अच्छा खासा स्पेस आपको एक कवर्ड के लिए मिलता है। और अभी ये पूरा पैसेज एरिया है, और फिर से मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, एक बार पैसेज आप देख लें कैसा है। ये इसका पूरा पैसेज एरिया है, आप लोग चले जाइए। और ये 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों लिफ्ट का। इधर आ जाओ, ये इसका एक स्टेयर केस है, और इसके अलावा दूसरा स्टेयर केस मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ, और ये इस तरफ देखें तो आपको ये दूसरा स्टेयर केस मिलता है, 2 स्टेयर केस, 2 हाई स्पीड लिफ्ट, CC OC, BMC वाटर, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट इसका बिल्कुल क्लियर है। 700 स्क्वायर फुट के आसपास इसका कारपेट एरिया है, और प्राइस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 93 लाख इसकी प्राइस है, 14 माले का टावर है, और बिल्कुल कनेक्टिविटी में देखें तो यहाँ से कनकिया रोड और रामदेव पार्क रोड दोनों रोड आपको कनेक्ट करता है। एक 30 सेकेंड 40 सेकेंड का रास्ता है जहाँ से आपको रिक्शा स्टैंड, बस स्टॉप, रिक्शा वगैरह, वेजिटेबल मार्केट वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर जाते हैं आप। और कुछ अगर आपको डिटेल जानना चाहते हैं ख़रीदने के लिए या फिर डिटेल जानने के लिए, तो आप हमें फ़ोन करें, डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल डाल दूंगा, प्राइजिंग का, साइजिंग का, साथ ही साथ हमारा नंबर रहेगा, तो आप उस नंबर पे फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम आपको ये रिसेल की प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए पूरी हेल्प करेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।